हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ। चलिए देखते हैं कि क्या आशीर्वाद आता है। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं, कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं, अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड ये बता रहा है कि आप अपनी परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंगली करने के लिए, अपनी परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालने के लिए स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। आप कहीं अपने गृह नगर से कहीं दूसरे शहर में जा कर के अपने जीवन में बनी हुई मुसीबत भरी परिस्थितियों को काटेंगे। और क्योंकि आप में जोश भी है और होश भी है, और आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपको बड़ा फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिलने वाला है, जबकि जहाँ आप रहते हैं वहाँ आपके अकॉर्डिंगली सर्कमस्टांसेस क्रिएट नहीं हो रहे थे, लेकिन जहाँ आप स्थान परिवर्तन कर रहे हैं वहाँ होंगे। अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप दूसरे स्थान परिवर्तन से दूसरे स्थान पर जब जाएंगे तो आपके लिए जो परिस्थितियों का निर्माण होगा उससे आपका परिवार बड़ा सुखी, समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए आपको हमेशा धन्यवाद देगा कि आपने जगह छोड़कर अपनी परिस्थितियों को सुधारा है। और जैसे ही आपकी परिस्थिति सुधरेगी, आपका फाइनेंशियल गेन होने लगेगा, तो आपके सारी परिवार में जो समस्याएं थी वो धीरे धीरे समाप्त होंगी और आप अपने परिवार में एक अच्छा सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके परिवार में जरूर एक छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, स्मॉल स्केल पे आप एक कुछ सेलिब्रेशन करेंगे, चाहे आप मैरिज एनिवर्सरी के लिए छोटा सा गेट टुगेदर करें परिवार का, चाहे आप बर्थडे सेलिब्रेट करें, कुछ भी करें, लेकिन एक छोटा फंक्शन तो दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपको अपने काम में ऐसी सफलता मिलेगी, इस प्रकार की सफलता मिलेगी जो आपके लिए मील का पत्थर साबित हो और आपको बहुत दूर तक लेके जाएगी, बहुत दूर तक लेके जाएगी। और ये जो आप काम करेंगे, क्योंकि आपने पीछे अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेली हैं अपने आप को सफल करने के लिए, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और अब जब आपको सक्सेस मिल रही है तो आप बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, बड़े समझ से काम को करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद आप जो भी कार्य करेंगे या कर रहे हैं वो सारे का सारा काम अकेले में नहीं होगा, आप इंडिपेंडेंटली नहीं करेंगे, आप टीम वर्क में करेंगे। आप अपनी एक टीम बनाई हुई है आपने, उसी टीम में आप काम कर रहे हैं और आपकी और आपकी टीम को इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। इस टीम को मत छोड़िएगा, टीम वर्क में ही आपकी लाइफ की सफलता छिपी है। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप अपने, अब पहले आपने कुछ गलतियां की हैं पास्ट में आपने जो गलतियां की हैं और उनसे आपने लेसन लिया है, और जो लेसन लिया है वो ये है कि अब आप हमेशा अपने दिमाग की बत्ती को जला के रखते हैं, किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं करते हैं, किसी के ऊपर अंधाधुंध उसके कहे अनुसार नहीं चलते हैं,
अपने भी एक विचार, अपना भी एक सोच, अपने अकॉर्डिंगली आप जरूर अपने अंदर मंथन करने के बाद कोई फैसला लेते हैं। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि आपको कुछ लोग मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपके लिए ऑब्स्टेकल्स खड़े कर सकते हैं, आपके लिए रुकावट खड़ी कर सकते हैं, जिससे आप इमोशनली हिलेंगे, परेशान होंगे, और ये जो आपकी परेशानी होगी ये आपके काम के ऊपर भी प्रभाव डालेगी, आपको काम को थोड़ा सा स्लो डाउन करेगी, मगर कोई नुकसान आपको ज़्यादा वो लोग नहीं पहुंचा पाएंगे। जिस नुकसान को, बड़े लार्ज स्केल में नुकसान को लेकर के वो योजना बनाए थे, आपका विश्वास, आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा उसको छोटा सा राई जैसा करके निकाल देंगे, बहुत ज़्यादा आपको लॉस होने वाला नहीं है। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपके रास्ते में लोग लाखों लाख मुसीबत के पहाड़ खड़े करें, लेकिन आप एक शाइनिंग स्टार की तरह, आप एक शाइनिंग स्टार की तरह उस मुसीबत से बाहर निकलेंगे, और वो आपका बाहर निकलना आपको आपके उस प्रोफेशनल लाइफ में जिसमें आप हैं आपको ताज पहना के रखेगा, आपके सिर के ऊपर ताज होगा, आप उस अपनी फील्ड के राजा होंगे, आपको जीवन में जो मुसीबत झेलनी थी झेल चुके, अब जीवन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है, वो पहले कार्ड की ही बात कर रहा है जो पहला आया था स्थान परिवर्तन का, तो जैसे ही आप स्थान बदलेंगे तो आपकी सारी मुसीबतें धाराशाही होनी शुरू हो जाएगी, आपकी सारी प्रॉब्लम्स कटनी शुरू हो जाएंगी, और आप एक, क्योंकि आपने अपने दिमाग में लॉन्ग रन की बड़ी योजना एक बना रखी है जिसे आप स्टेप बाय स्टेप करते चले जा रहे हैं, तो इस वजह से आप परेशान ना हो, परेशानी का समय आपका निकल चुका है, जिनका समय बदल गया है वो आगे चले, जिनका बदलने वाला है वो अपना स्थान छोड़ें और दूसरी जगह जाके अपने व्यापार को एस्टेब्लिश करें, परेशानी का समय अब है नहीं। और आप, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी शादी का योग बन रहा है, आपको आपका मन पसंद, आपके मन मुताबिक, आपके अकॉर्डिंगली जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, आप एक बड़ी खुशहाल ज़िंदगी आगे जा कर के जीने वाले हैं, और आपको आपके गुरु का मार्गदर्शन भी मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था आपको कभी डगमगाने नहीं देगी, कभी आपको किसी के सामने झुकने भी नहीं देगी, इसलिए आपको आपका मार्गदर्शन आपके गुरु से हमेशा मिलता रहेगा, गुरु के चरणों को कभी मत छोड़िएगा, हमेशा उनकी शरणागति में रहेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा, आप गो अहेड, आप अपना काम करें और मन लगा करके करें, कहीं कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हरिओम नारायण हरि।